वहीं जो सर्वे चल रहा है हिंदू पक्ष के वकील का क्या कुछ कहना है वो आपको सुना रहे हैं। नहीं, आज भी एसआई का सर्वे शुरू हो गया है और उसी लिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं पार्टिसिपेट करने। अब सुप्रीम कोर्ट भी एसआई सर्वे परमिट कर चुका है तो एसआई सर्वे शुरू है और कल भी काफ़ी एसआई ने काम किया है, मैपिंग का काम किया है, इमेजिंग का काम किया है और वही काम आज आगे भी चालू रहेगा। मैं बताना चाहता हूँ ये सारा काम बिना स्ट्रक्चर को डैमेज पहुँचाए हुए और बिना किसी भी तरह से क्षति पहुंचाई हुए ड्रिलिंग किए हुए सारा काम किया जाएगा। एएसआई ने जो एफिडेविट दिया ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने और जो एएसआई ने एफिडेविट और स्टेटमेंट्स दिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने उसके कंप्लायंस में पूरा काम किया जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद आप तो कोर्ट का आर्डर है तो आर्डर वो भी करना ही करना है हम लोगों को। तो हर दिन जो सर्वे की टीम रहेगी तो हर दिन आपके अब हर दिन डिसाइड किया जाएगा पूरे तीन दिन कौन रहेगा यहाँ पर काम का। चाबी नहीं मिलेगी। अरे अब तो कमेटी बताएगी भाई, हमको बुलाइए ना, हम क्या बताएंगे। पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे आप लोग सर। हम सपोर्ट करेंगे सर। आज किस तरीके का सर्वे होगा, क्या क्या उसमें आज सर्वे देखिए आगे बढ़ेगा। मेजरमेंट हो चुका है, सारे माप जो सारे बिंदु लगभग जो है एसआई ने तय कर लिया है और पूरे परिसर का आज अपने मशीनों का हो सकता है उपयोग करें। आज कार्रवाई सर्वे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। कल का किस तरीके सर्वे हुआ था, क्या क्या हुआ था? जो है मेजरमेंट किया, नाप जो किए हैं, फोटोग्राफी किए हैं, वो अपने इशू तय कर लिए हैं। कल उन्होंने जो किया होमवर्क किया उसमें इशू तय किया, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे वो। आज कितने बजे से शुरू होगी? बस 8 बजे से शुरू होने जा रहा है। अच्छा, मुस्लिम पक्ष भी विरोध कर रहा था? पक्ष भी अभी तो देखिए हमारे सामने ही मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता जा रहे थे, इसलिए हमें लगता है कि मुस्लिम पक्ष आज जो है ये उपस्थित रहेगा यहाँ पर। खाने भी खुले थे? नहीं नहीं, तहखाने नहीं। अब आगे की आज कार्रवाई अब आगे बढ़ी, कल कहीं कोई तहखाना नहीं खुला है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो दूसरे दिन के सर्वे की कार्रवाई है वो कुछ देरों में शुरू हो जाएगी। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं जो अब कुछ अंदर जाएंगे और उसके जैसे ही जाएंगे उसके बाद से सर्वे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। कैमरा पर्सन शिवम मिश्रा के साथ अनुज सिंह, जी मीडिया, वाराणसी। चले अनुज हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। अनुज, अभी क्या अपडेट है, क्या सर्वे शुरू होगा या थोड़ी देर में होगा? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें 8:40 पर सर्वे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और 8 बजे एएसआई की 40 सदस्यीय टीम अंदर जा चुकी है। हम आपको बता दें कि जो हिंदू पक्ष के सभी वादी हैं, वादिनी हैं और यहां तक कि मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने भी आज पार्टिसिपेट किया है, आज वो सर्वे के दौरान रहेंगे। और लेकिन 8:40 पर ये सर्वे का कार्य शुरू हो चुका है। 8 बजे पूरे जो 40 सदस्यीय टीम है वो ज्ञानवापी परिसर में पहुँच चुकी थी और जो उपकरण है अपने उपकरणों के साथ, और खास बात यह कि सीढ़ी और सफाई के जो इतने सामान हैं वो भी लेकर के आज गए हैं, क्योंकि कल काफ़ी मात्रा में गंदगी वहाँ देखने को मिली थी और जो सर्वे की कार्य थी, जो उनके उपकरण थे, कल उस उपकरण से एक भी कार्य नहीं हुआ, क्योंकि कल सिर्फ फोटोग्राफी हुआ, वीडियोग्राफी हुआ और जितनी सफाई के काम थे वो सफाई का काम हुआ। लेकिन आज जो बड़ी बात हिंदू पक्ष के अधिवक्ता कह रहे थे कि आज उपकरणों का जो इस्तेमाल है वो किया जा सकता है, जो उनके पास अत्याधुनिक लेजर के उपकरण हैं आज वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो साफ तौर से हम आपको बता दें कि जो सर्वे का कार्य है वो शुरू हो चुका है। 12:30 बजे तक ये पहले चरण में, मतलब पहले पाली में ये जो सर्वे का कार्य होगा चलेगा, उसके बाद फिर नमाज पढ़ी जाएगी। नमाज अदा करने के बाद से फिर दूसरे पाली की जो होगी वो 2 बजे से फिर से शुरू हो जाएगा। 2 बजे के बाद से लेकर 5 से 5:30 बजे तक ये जो सर्वे का कार्य होगा वो दूसरे दिन का चलेगा। हम आपको बता दें आज शनिवार है और लगातार श्रद्धालु की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है, चुनौती भी बहुत ज़्यादा है। तो पुलिस कमिश्नरेट उसको लेकर के पूरे चार चौबंद कर चुके हैं, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कल भी सुरक्षा व्यवस्था था लेकिन आज क्योंकि आज शनिवार है, कल रविवार और फिर सोमवार, क्योंकि इन 3 दिन जो श्रद्धालु होते हैं वो काफ़ी होते हैं और श्रद्धालुओं को देखते हुए चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। कल जुमे की नमाज थी, कल भी चुनौतियाँ थी, लेकिन जो श्रद्धालु हैं आज के आम दिनों पर 1.5 लाख के करीब में लोग दर्शन करने आते हैं, लेकिन आज जो शनिवार है वो 2 से 2.5 लाख के करीब में दर्शन करने आएंगे। और मौसम भी लगातार बारिश जैसा बना हुआ है, सुबह भी बारिश हुई है, अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो देखना हो सकता है कहीं बारिश खलल ना डाले इस एएसआई सर्वे को लेकर के। लेकिन फिलहाल सर्वे का जो कार्य है वो अभी शुरू हो चुका है। अनुज, सर्वे का काम दर्शकों को हम अपडेट कर दें पहले, फिर आपके पास आते हैं। अनुज हमारे सहयोगी बता रहे हैं, एक बार बड़ी खबर आपको बता दें, सर्वे का काम शुरू हो गया है। अनुज हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि सर्वे का काम शुरू हो गया है, आज दूसरा दिन है, एएसआई सर्वे की टीम पहुंच चुकी है अंदर, तमाम पक्ष, मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के वकील भी पहुंच चुके हैं, सभी पक्ष पहुंच चुके हैं और सर्वे का काम शुरू हो गया। अनुज, समय सीमा के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि आज सुबह से लेकर अब, क्योंकि 9 बजे से अब यह सर्वे शुरू हो रहा है, और कब तक होगा? क्या बीच में एक ब्रेक लिया जाएगा 12 बजे के बाद, जिस तरह आप कह रहे थे कि नमाज भी होती है उस समय ब्रेक होता है, तो क्या इस तरह की स्थिति रहने वाली है अभी?
जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कल जो सर्वे का कार्य था वो 7 घंटे 25 मिनट तक सर्वे का पूरा काम चला था, लेकिन आज कुछ देर हुई, 40 मिनट का देरी हुआ, लेकिन सर्वे का कार्य शुरू हो चुका था, क्योंकि हमें लगता है जहां तक ये मौसम है, मौसम कहीं ना कहीं खलल डाल रही है, इस वजह से जो सर्वे की कार्रवाई थी वो थोड़ा लेट शुरू हुआ, लेकिन जो 8:40 से सर्वे की कार्रवाई शुरू हुआ 12:30 के करीब ये सर्वे का पहले पाली का जो होगा वो समाप्त होगा, फिर उसके बाद जो नमाजी होंगे वो नमाज अदा करेंगे, नमाज अदा करने के बाद 40 मिनट का ब्रेक होगा, 40 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से सर्वे का दूसरे पाली का जो सर्वे होगा वो शुरू होगा, और लगभग 5 से 5:30 बजे तक ये सर्वे का कार्य दूसरे दिन का चलेगा। लेकिन हम आपको बता दें जो मौसम है वो मौसम सुबह से खराब है, अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं ये बारिश खलल डालेगी सर्वे के दरमियान। चलिए अनुज आप बने रहिएगा, हम लौटेंगे आपके पास। अब हम दिखाते हैं हिंदू पक्ष की वादिनी सीता साहू का क्या कुछ कहना है इस सर्वे को लेकर, उन्हें कितनी उम्मीद है यहाँ पर देखिएगा। सीता साहू जी आज जा रही हैं, आज मुस्लिम पक्ष भी आज रहेगा, क्या लगता है? आज का सर्वे महत्वपूर्ण है, कल का भी महत्वपूर्ण था, आने वाले जितने दिन भी सर्वे होंगे सब महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि रोज कुछ न कुछ चमत्कार ही आएगा, सत्य ही सामने आएगा, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए। हम लोग जाते हैं महादेव से रोज प्रार्थना करते हैं, और कल के लिए मैं आप कल जो हम लोग को फैसला आया, सभी सनातनियों को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, हमारे अधिवक्ता हरिशंकर जैन विष्णु जैन जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, उन लोग की मेहनत का परिणाम है कि महादेव ने ये आशीर्वाद हम लोग को दिया। मुस्लिम पक्ष लगातार बाइकआउट करा था, लेकिन अब आज से वो मुस्लिम पक्ष भी अंदर रहेगा। देखिए सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश है, हम लोगों ने भी यही कहा था जो भी न्यायालय आदेश देगा उसका हम लोग पालन करेंगे, तो मुस्लिम पक्ष को भी इसका पालन करना चाहिए, आज से वो सहयोग करेगा ये बहुत खुशी की बात है, अच्छा है सहयोग करेगा तो सच जल्दी और सामने आएगा, अच्छा भी रहेगा। त्रिशूल की बात की जा रही थी, कमल के फूल की बात की जा रही थी, कल सर्वे के दौरान आप थी तो क्या क्या आपने देखा, कहाँ कहाँ सर्वे हुआ? कल देखिए पश्चिमी दीवार ऐसे 40-41 के लोग लगभग थे, और सब टीम आपस में बैठ गई थी, और चारों तरफ ही हो रहा था तहखाने को छोड़ के, क्योंकि चाबी नहीं थी, घास वगैरह जो हुआ था उसको हाथ से ही निकाला गया, और फोटोग्राफी हुई है, और GPR के जरिए पूरा तकनीक के जरिए पूरा जांच हो रहा था, और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो रही थी, अपना नाप उप तोड़ रहा था, हम लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं। ऐसे क्या कहाँ का जाँच होगा? आज जांच वही पश्चिमी दीवार की ज़्यादा चल रही है, और साथ में जो तीनों गुंबद है जहाँ पे धप धप की आवाज़ आ रही है, हो ना हो वहाँ पे पूरा हम लोग को विश्वास है कि वहाँ शिवलिंग जरूर होगा, अवश्य शिवलिंग मिलेगा, तो वहाँ की भी हम लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ पे बोला जाए कि एक बार कहिए, फिर उनकी इच्छा पे जैसे वो करें। वही हिंदू पक्ष की वादिनी रेखा पाठक को सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। अब देखिए अब उन लोग का सहयोग, मुस्लिम भाई का सहयोग मिलेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ मिलेगा। आज से मुस्लिम पक्ष भी आ रहा है उसमें? हाँ आज से सुने हैं कि आ रहे हैं लोग। कहाँ क्या क्या अभी तक सर्वे का कार्य हुआ है? अब आने के बाद बताएंगे क्या क्या सर्वे होगा, क्या क्या नहीं होगा। चलिए अनुज हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। अनुज अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे, आपने बात की हिंदू पक्ष के जो वादी हैं, याचिकाकर्ता हैं, उन लोगों ने कहा है कि उन्हें बहुत सारी उम्मीदें, वीडियोग्राफी हुई है कल और बहुत सारी चीजें हैं, और खासकर पश्चिमी दीवार पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जरा पश्चिमी दीवार के बारे में थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को, ये दीवार किधर पड़ती है, क्या जहां बाबा विश्वनाथ का मंदिर है उधर वाला हिस्सा है ये पश्चिमी दीवार जिसका बार बार जिक्र आता है, जिधर नंदी की मूर्ति बनी हुई है बाबा नाथ की तरह? जी मैं आपको बता दूं, जब जैसे ही गेट नंबर 4 से आप एंट्री करेंगे, जैसे एंट्री करते ही जो पहला दीवार पड़ता है जो मस्जिद के बाहरी का हिस्से का ढांचा है, उसको पश्चिमी दीवार कहा जा रहा है, क्योंकि उसी पश्चिमी दीवार का कल जो फोटोग्राफी हुआ था, नापी हुआ था, कल निचले हिस्से से नापी हुआ था, और आज जो है सीढ़ियाँ लेकर के ले गए हैं SI की टीम, और सीढ़ियों के जरिए ऊपरी हिस्से को भी अब उसकी जो नापी होगी, फोटोग्राफी होगी, सारा कुछ किया जाएगा। हम आपको बता दें जो ढांचा है बाहर का, जो टूटा हुआ ढांचा है जो मस्जिद से सटा हुआ है, उसी को पश्चिमी दीवार कह रहे हैं, उसी को लेकर के जो सर्वे हुआ था कल उसी का हुआ था, और फोटोग्राफी हुई थी, नापी हुई थी, पूरे एरिया की नापी हुई थी, लेकिन आज भी जो कार्य है वो पश्चिमी दीवार पर ही रहेगा, लेकिन आज हो सकता है कि आज तहखाना भी खुले और जो अत्याधुनिक उपकरण है आज उसका इस्तेमाल भी किया जाएगा। चले अनुज हमारे सहयोगी लगातार बता रहे हैं। अनुज अगर बात करें मुस्लिम पक्ष की, अभी हम मुस्लिम पक्ष के वकील को भी सुन रहे थे, हालांकि सहयोग की बात कही जा रही है तो एक चाबी की बात आ रही है, तो कौन सी चाबी है जिसके लिए, और क्या कोई तहखाने की चाबी है?